हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन हब और मैं हूँ अंशुल धीमान। सो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं मेरे चैनल पर आपको एसए के जो है इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स प्रोवाइड कराती हूँ, या तो अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, जैसे कि हमारे कुछ होते हैं ना कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जो सिविल सर्विसेज टाइप होते हैं, और एसएससी का जो एक एग्ज़ाम होता है, इसी तरीके से हमारे कुछ एग्ज़ाम्स होते हैं जिनमें हमें एक एसए का स्पेशली एग्ज़ाम देना होता है, तो उसमें कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं। तो ऐसे ही कुछ टॉपिक्स मैं देख के या फिर आप मुझे सजेस्ट करते हैं कमेंट बॉक्स में, तो मैं उन पे आपको ऐसे प्रोवाइड कराती हूँ। मेरी कोशिश रहती है कि देखिए, एग्जैक्ट ऐसे तो हम नहीं लिख सकते हैं, बट हाँ, मेरी कोशिश होती है कि आप उन ऐसे से जो है आपको हेल्प ज़रूर मिल जाती है, या तो कुछ पॉइंट होता है ऐसा जिसको आप नोट करते हैं और अपनी साइड से उसको जो है और ज़्यादा बेटर बना के लिखने की कोशिश करते हैं, या फिर कुछ अच्छी कोटेशन वगैरह अगर आपको पसंद आ जाती है तो मतलब वो ज़रूर आपके लिए हेल्पफुल होता ही होता है। या फिर हमारे कुछ डेज़ होते हैं, जैसे नेशनल और इंटरनेशनल डेज़ होते हैं ना, और उन पे गवर्नमेंट के द्वारा कॉम्पिटिशन्स ऑर्गेनाइज़ कराए जाते हैं अलग अलग कैटेगरी में, जैसे कि डांस कॉम्पिटिशन, ड्राइंग कॉम्पिटिशन होता है, और कुकिंग कॉम्पिटिशन्स भी होते हैं, और स्टडीज़ से रिलेटेड हमारे ऐसे ही कॉम्पिटिशन होते हैं, स्पीच होती है, और उन्हीं में से एक होता है हमारा एसे कॉम्पिटिशन। तो ऐसे ही उन पर भी मैं आपको जो नेशनल होते हैं ना कंपटीशन, उन पर आपको प्रोवाइड कराती रहती हूँ उनकी इन्फॉर्मेशन। हमारे मेरे चैनल पे बहुत से ऐसे हैं भी, ऐसे ऑलरेडी आप चेक कीजिएगा। तो आई होप जो है आपको मेरे ऐसे पसंद आते होंगे। तो ऐसे ही फ्रेंड्स, हमारा जो आज का मैं ऐसे लेके आई हूँ, ये भी मुझे आप ही लोगों ने सजेस्ट किया था, और जो है मैंने अपने जो है चैनल पे डाला भी था, मतलब क्वेश्चन डाला था कि आपको ये ऐसे चाहिए या नहीं चाहिए, तो मुझे बहुत से आप लोगों ने ही इस पर मतलब रिक्वायरमेंट की है। तो मुझे लगा वैसे कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है COVID-19, जो कि चल ही रहा है, वैसे आपको ज़्यादा इसके बारे में मतलब एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि ये ऑलरेडी सबको बहुत पता ही है कि मतलब कैसे आया और कब से आया है। बट फिर भी देखते ही देखते फ्रेंड्स, इसने जैसा कि हम जानते हैं पूरे वर्ल्ड में पैर पसार लिए हैं, और अब देखा जाए तो अंटार्कटिका जैसे क्षेत्र में भी कोरोना की पुष्टि हो गई है, और ये जो है जनवरी 2020 में भारत में पाया गया था, और 21 मार्च 2020 को पूरी कंट्री में जनता कर्फ्यू लगाया गया था फर्स्ट टाइम, और ऐसे ही एक साल बाद यानी कि अब फिर से जो है ये आ गया है वापस, और ज़्यादा मतलब बढ़ता जा रहा है। पर अभी जो है अब आपका वैक्सीनेशन हो रहा है ना, तो मैं आपको सजेस्ट करती हूँ कि अगर आपकी एज के अकॉर्डिंग वैक्सीनेशन चल रहा है, आप 18 अबव हैं, तो आप जाइए और अपना वैक्सीनेशन ज़रूर कराइए। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है हमारा COVID-19 इम्पैक्ट ऑन इकोनॉमी। तो अगर आपको मेरा ये ऐसे पसंद आएगा, सो फ्रेंड्स प्लीज़ 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 हिट द लाइक बटन, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अपने फ्रेंड सर्कल में इसको शेयर ज़रूर कीजिएगा और मुझे अपना सपोर्ट दीजिएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं हमारा ऐसे COVID-19 इम्पैक्ट ऑन इकोनॉमी। आवर वर्ल्ड हैज़ चेंज्ड अलॉट इन द लास्ट फ्यू मंथ्स। थाउजेंड्स ऑफ पीपल लॉस्ट दियर लाइव्स, मिलियंस ऑफ पीपल आर सिक। All these have broken the havoc of virus called coronavirus. And the people who are surviving the outbreak of this virus, their standard of living has also changed completely. We know that COVID-19 is a very dangerous virus. Because of COVID-19, people had to see many problems like unemployment, study loss, etc. But along with the major economies of the world, the Indian economy has also been severely affected. The epidemic has a profound impact on people and businesses. Some businesses have had disastrous results. Then friends, जैसा कि हम जानते हैं, हम हमारे टॉपिक में जो है हमारा जो मतलब ऐसे जो होता है उसमें हम टॉपिक से रिलेटेड कुछ अच्छी जो है ना कोटेशन ऐड कर सकते हैं, कुछ अच्छी लाइन। अगर आप किसी फेमस पर्सन के ऊपर लिख रहे हैं तो आप कोशिश कीजिएगा, मैं आपको सजेस्ट करती हूँ कि आप उसी पर्सन का कोई अच्छा थॉट उसमें ऐड कीजिएगा, तो आपका जो ऐसे होगा वो ज़्यादा अट्रैक्टिव लगेगा, है ना। आप सर्च करके उसको जो है लिख सकते हैं। और ऐसे ही अगर आप किसी नॉर्मल ऐसे किसी टॉपिक पर किसी डे पर लिख रहे हैं तो आप उससे रिलेटेड सर्च कीजिएगा, या आप कुछ अच्छा खुद से बना सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। ऐसे ही मैंने ये ऐड किया है, कोविड कोविड कोविड, इट्स नॉट अ मिस्ट्री बट हैज़ क्रिएटेड अ हिस्ट्री।
Since the virus spread, state governments have imposed lockdown and this has put restrictions on free movements. The biggest impact has been on the service sector. This has increased unemployment because people were not able to travel to their work area via public transport. In addition, a large part of the employment in India works in the unorganized sector. The lack of work due to the lockdown forced the migrant laborers to return to their hometown. The COVID-19 crisis has been responded to by governments and central banks with monetary and fiscal measures that were announced during the peak of the global financial crisis. Due to this, interest rates in developed economies are close to zero. This increased global liquidity, resulting in FII inflows into large emerging markets, including India, as we have received flows of over rupees 2 lakh crore so far in 2021. Now, during the second wave of the COVID-19 epidemic, strict lockdowns has been imposed again in most of the states due to the increase in daily affairs. Business in aviation, automobiles, tourism, hospitality, restaurants, and other sectors are already suffering losses due to new restrictions imposed by states to stop the second wave. It is difficult to estimate the overall impact of the second wave on the economy at the moment, but it's likely to have a negative impact on GDP growth in the first quarter. As of now, WHO believes, World Health Organization, WHO ka means hota hai, the worst phase of the crisis of COVID-19 is yet to come. That is, today is difficult to conclude that why is going to be the worst phase of the economy. We can show only possibilities right now. In the words of Prime Minister Narendra Modi, we have to save both life and the world, but to save the livelihood of its people, some big decisions have to be taken on the economic फ्रंट. सो गाइज, ये था हमारा एस्से. आई होप ये आपको ज़रूर पसंद आया होगा. अगर आपको मेरा एस्से पसंद आया है तो मेरी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर करें. और अगर आपका और कोई टॉपिक है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, मैं आपको वो अगर इम्पोर्टेंट होगा तो ज़रूर प्रोवाइड कराऊंगी. आज के लिए इतना ही. स्टे होम, स्टे सेफ.